और इसमें आप देख भी सकते हो कि फैट और प्रोटीन के जो ग्राम्स का डिफरेंस है कितना ज्यादा बच रहा है और उसको हम अपनी बाकी की डाइट से पूरा कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आप डाइट चार्ट डिजाइन करके चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में आखिर हमें अंडे कितने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सभी आप लोग, दिस इज गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे कि आपको एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए। ज्यादातर ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि वो 5 अंडे बोलते हैं या फिर तो 10 अंडे खाना चाहिए, और उन्होंने कहीं किसी जिम में एक मस्कुलर मैन को देख लिया और पता चला कि ये 15 से लेकर 20 अंडे खाता है। तो भैया विश्वास मानिए, उसी दिन से वो उतने ही अंडे खाने चालू कर देंगे और उनका सोचना क्या होगा कि हम भी इसके जैसे मस्कुलर बन जाएंगे। देखिए, आपको इस तरीके से पता चल सकता है कि आपको एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए, बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अंडे के बारे में पूरी जानकारी, उसके मैक्रोस माइक्रोस और हमें होल एग खाना चाहिए या वाइट एग खाना चाहिए या योक खाना ही नहीं चाहिए या कच्चा अंडा खाना चाहिए या पका, इस सब के बारे में जो मिथ्स हैं मैंने कुछ वीडियोस में क्लियर कर दिए हैं, बस आप आई बटन पर जाकर उसे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि एक डाइट चार्ट है जिसमें 60 ग्राम तक फैट है और 70 ग्राम प्रोटीन है, 200 ग्राम समथिंग कार्ब्स है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, मान के चलिए हमने 12 अंडे खाए एक दिन के, तो आपको पता है एक अंडे में फैट कितना होता है 4 ग्राम, तो 12 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा आपके 48 ग्राम फैट, और प्रोटीन कितना होता है 6 ग्राम, तो इंटू 12 कीजिए तो कितना होगा 72 ग्राम प्रोटीन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें इस डाइट चार्ट में 70 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए था बट हम उससे ऊपर क्रॉस कर गए हैं, और बात रही हमें फैट चाहिए था तो हमने 60 में से लेके 48 ग्राम फैट तक कंज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर ये 12 अंडे इस डाइट चार्ट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज होगा भी क्या, आप और भी तो डाइट लोगे, आपकी रोटियां हुई, पीनट बटर हुआ, दही दूध वगैरह, ये कहाँ जाएगा, इनसे भी तो प्रोटीन और फैट मिलेगा। तो इस तरीके से डाइट चार्ट को डिजाइन करके अंडे खाना गलत है। बट अगर हम दूसरी ओर यही फैट प्रोटीन कार्ब इन्हीं ग्राम्स में लें और इसमें अगर हम 7 अंडों को ही लें तो उससे हमारा 42 ग्राम प्रोटीन तक मिल जाएगा और 28 ग्राम फैट तक मिल जाएगा, और इसमें आप देख भी सकते हो कि फैट और प्रोटीन के जो ग्राम्स का डिफरेंस है कितना ज्यादा बच रहा है और उसको हम अपनी बाकी की डाइट से पूरा कर सकते हैं, आपका पीनट बटर हुआ, दूध हुआ, दही हुआ और रोटियां हुई। सो इस तरीके से अगर आप डाइट चार्ट डिजाइन करके चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन में आखिर हमें अंडे कितने खाने चाहिए। ओके, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ फिश ऑयल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अगर आपका हैवी वर्कआउट है, मसल बिल्डिंग गोल है और आपको अपनी बोन्स को भी अच्छा रखना है, अपनी स्किन को भी, तो एक ओमेगा 3 का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आप इस न्यू हर्ब्स के डीप सी फिश ऑयल को यूज कर सकते हो। इसमें आपको 1500 mg तक ओमेगा 3 मिल जाता है, साथ में विटामिन D3 और E जो कि आपके हार्ट की हेल्थ को सही रखने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और आपको मार्केट में इसकी सेम प्राइस पर और भी फिश ऑयल्स मिल जाएंगे बट वो 1 ग्राम के ही होते हैं, जिसकी वजह से आपको 3 से लेकर 4 फिश ऑयल कंज्यूम करने पड़ेंगे और वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और यहीं पर ये 2500 mg का फिश ऑयल है जो कि आप एक दिन में अगर 2 भी कंज्यूम करोगे तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो जाएगी। सो इस तरीके से ये हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी है, और इसे बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और साथ में कूपन कोड भी दिया गया है जिसे आप यूज करके कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट को भी ले सकते हो। ओके, तो हम पहले सीख चुके हैं कि एक दिन में कितने अंडे खाने के लिए हमें किस तरीके से डाइट चार्ट डिजाइन करना चाहिए। बट अब यहाँ पर आप कीटो डाइट की बात करोगे तो एक मिनट, आपको कीटो डाइट के बारे में पता है, अगर नहीं पता हो तो सुन लीजिए, इसमें 80% तक फैट होता है, 10 से लेकर 20 ग्राम प्रोटीन होता है एंड 5 से लेकर 10 ग्राम तक कार्ब्स होते हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि फैट का परसेंटेज कितना ज्यादा है। सो यहीं पर हम एग के योक्स का भी यूज कर सकते हैं, आपको पता है कि अंडे का जो पीला पार्ट है उसमें हमें फैट सबसे ज्यादा मिलता है। सो इस तरीके से आप सब ये देखोगे, डाइट चार्ट डिजाइन करोगे तो आप कहीं ना कहीं जज कर पाओगे कि हमें अंडे को पूरा खाना चाहिए या उसका योक पार्ट खाना चाहिए या वाइट। ओके, सो ये था टॉपिक, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा, और आपके जो भी फिटनेस रिलेटेड मिथ है वो आप पूछ सकते हो। सो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।